हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया, वर्कशीट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। देखिए क्वेश्चन समझे पहले क्या दिया हुआ है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल, देखो ये पोल है, ठीक है, यहाँ पर ये पोल है, ठीक है, पोल पर एक रस्सी के साथ, पोल विद 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक यहाँ पर देखो एक हॉर्स है, उसको यहाँ पर टाई किया हुआ है, ठीक है, जो उसकी स्ट्रिंग है। अब आप ये देखो, अब हॉर्स मान लीजिए कि वो अपनी जो स्ट्रिंग है उसको बिल्कुल पूरा स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेच होगी तो बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी। तो हॉर्स कहाँ पहुँच जाएगा, जितना ज़्यादा वो उसको टाइट खींच सकता है यहाँ तक आ गया, ठीक है। लूज़ कर दे अपनी इसको तो ये यहाँ तक घूम लेगा बीच में कहीं कहीं पर। लेकिन आप देखो, अगर वो अपनी जो स्ट्रिंग है उसको बिल्कुल टाइट करके, मतलब बस इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता वो, ठीक है। अगर वो बिल्कुल पूरा खींच के और चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो वो क्या करेगा, एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा ना। अब हमें बताना, फाइंड द एयर वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। अगर वो अपनी स्ट्रिंग को लूज़ कर लेता है, ढीला छोड़ देता है, तो वो यहाँ बीच वाले इस एरिया पर कर लेगा। लेकिन बिल्कुल टाइट करके वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ तक, इस जगह तक जा सकता है वो, तो ये क्या है, एक सर्कुलर शेप नहीं आएगी, ठीक है। अब हम उन्होंने बोला फाइंड द एरिया, तो ये वाला एरिया ना जहाँ पर वो ग्रेज कर सकता है, तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, अब आप ये देखिए ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये तो सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू आएगी 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वेयर मतलब रेडियस यहाँ पर। अब देखो जो स्ट्रिंग है, जो उसकी लेंथ है 21 मीटर, वही क्या बन जाएगी, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 21 इंटू 21, ठीक है, आप यहाँ लिख देना ओ एच इज इक्वल टू 21 मीटर, ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हमारी रेडियस है। यहाँ पर बताना होता है कि आपने क्या चीज़ ली है। आप इसको कैंसिल कर लें, 7 1 7, 7 3 21, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 3 8 6, आप मल्टीप्लाई कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 3 8 6। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मीटर में दी गई थी, तो मीटर और एरिया किस में होता है, स्क्वेयर यूनिट्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। अब आप यहाँ देखें, हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं। अब कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। अब आप देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इतनी कंपस ओपन की, ठीक है, फिर मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने कंपस को कितना ओपन किया, 14, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसी को सेंटर माना और दोबारा से सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये 7 और 14 नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर मैं 14 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करूँगी तो पूरे पेज को कवर कर लेगा। सिर्फ आप इमेजिन करें कि यहाँ ओ टू ए ये है 7 सेंटीमीटर एंड ओ टू बी ये है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। अब आपको बताना है एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, मतलब ये जो बीच में एरिया आया है दोनों सर्कल के बीच में, ये वाला जो एरिया है आपको ये बताना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल के एरिया में से अगर हम देखो, बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं बीच वाला हटा दूँ, छुपा दूँ इसको, तो ये एक पाथ ही रह जाएगा ना, पाथ को ही बोलते हैं हम एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो आप ये करें बड़े सर्कल का एरिया अलग से निकाल लें, छोटे सर्कल का एरिया अलग से निकाल लें, और उन दोनों को क्या कर दें, माइनस, मींस एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकालो, एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालो, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ऐसे करना ऐसे करो, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, चलो मैं अभी फिलहाल आपको ये करा रही हूँ, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल बाहर वाला जो सर्कल है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर, पाई की जगह आएगा 22 बाय 7। अब आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है, 14,
तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 14 इंटू 14, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, तो यहाँ से आ जाएगा 22, 14 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो हमने निकाला आउटर बड़े वाले सर्कल का, अब हम निकालेंगे अंदर वाले सर्कल का, एरिया ऑफ इनर सर्कल। फॉर्मूला होता है वही पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस अब की बार हमारे पास कितनी है 7, ठीक है। तो यहाँ 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने रेडियस 1 रेडियस 2 नहीं माननी है, क्योंकि मैं अलग अलग निकाल रही हूँ, पहले का अलग निकाला दूसरे का अलग निकाला, ठीक है। या फिर आप कर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेट इनर रेडियस, इनर रेडियस मैं इसको आर टू से लिख रही हूँ, वो है 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस इसको आर वन लिखते हैं, इसको आर टू, ठीक है। आउटर रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस में यहाँ पर आर टू का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आर वन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये लिख के दिखाना भी होता है कि आप आर वन क्या ले रहे हैं, आर टू क्या ले रहे हैं। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, देयर फोर एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन द टू सर्कल्स, बिटवीन द टू सर्कल्स वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया ऑफ सर्कल माइनस इनर एरिया ऑफ सर्कल। तो आउटर एरिया हमारे पास आया 616 और इनर एरिया आया 154, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यही आपका आंसर है, ठीक है। बाहर वाले में से अंदर वाले का कर देंगे माइनस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 नहीं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर गलती से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फोर स्मॉल सर्कल्स इज इक्वल ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिगर सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब आप यहाँ पर देखें दिया हुआ क्या है, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फोर स्मॉल सर्कल्स, चार छोटे सर्कल दिए हैं एक ही साइज के, ठीक है। क्या है, एक छोटे साइज के सर्कल हैं, अब इनके सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, ठीक है। इसका भी टू पाई आर आएगा, इसका भी टू पाई आर, इसका भी टू पाई आर और इसका भी टू पाई आर, क्लियर है। ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिगर सर्कल, इन चार की जितनी आप निकाल लोगे ना वो किसके बराबर होगी, एक बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द बड़े सर्कल के एरिया को छोटे सर्कल के एरिया से, हमें रेशियो बतानी है, ठीक है। पहले वो जो कंडीशन दी गई है वो लिखेंगे। हम लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, उसको हम आर वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये आर वन आर वन आर वन आर वन, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस हम आर टू ले लेते हैं, यहाँ से आर टू, ठीक है, रेडियस टू। अब हमें दिया हुआ है बड़े चार छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस के क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ फोर स्मॉल सर्कल्स, चार छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ वन बिग सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, इसकी कितनी आएगी, टू पाई आर वन,
इसकी भी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखो, 2πr होता है सबके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2πr, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, 2πr, यहाँ पर रेडियस 1 आएगी और यहाँ पर रेडियस 2 आएगी, ठीक है। अब एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो कितना है, 2πr1, चार का ज़्यादा होगा, 1, 2, 3, 4, फोर सर्कल्स की सरकमफ्रेंस का ज़्यादा होगा, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। या फिर आप देखो 4 2 8πr1, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, इन सबको ऐड भी कर दो, 2πr1, 2πr1, 2πr1 और 2πr1, 2 2 2 2 ऐड होगा तो 8 बनेगा ना। और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr2, ठीक है, 2πr2। अब हम इसमें से देखो क्या करेंगे, मैं सिर्फ रेडियस 1 को यहीं रखती हूँ और सब कुछ मैं लेफ्ट राइट साइड ले जाऊँगी। 8π कहाँ जाएगा, नीचे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, तो मेरे पास आ जाती है रेडियस 1 किसके इक्वल आएगी, रेडियस 2 डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास एक रिलेशन आ गया है रेडियस 1 और रेडियस 2 में कि रेडियस 1 कितनी है, जितनी रेडियस 2 है उसका 1/4, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड द, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। हमें बताना है रेशियो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, इसकी रेशियो बतानी है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, इनकी रेशियो बतानी है। अब आप ये देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीज़न ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल, अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल पहले है तो उसका पहले लिखा जाएगा, ठीक है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। अब बड़े सर्कल के लिए रेडियस आर टू है तो हम यहाँ आर टू लिख देंगे, इसकी रेशियो मुझे बतानी है पाई, एक छोटा सर्कल, चारों का नहीं एरिया लेना, उन्होंने बोला है एक बड़े सर्कल की एक छोटे सर्कल के एरिया से रेशियो बतानी है, तो छोटे सर्कल में रेडियस आर वन यूज़ हुई है, आर वन का स्क्वेयर। अब रेशियो का मतलब होता है डिवीज़न, पाई आर टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वेयर, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा। अभी आप देखो, मैंने यहाँ ऐसे ही लिखा, रेडियस टू का स्क्वेयर ऐसे ही लिखा, रेडियस वन की वैल्यू है रेडियस टू डिवाइडेड बाय 4, मतलब अगर कहीं पर रेडियस 1 लिखा तो मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ रेडियस 2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ रेडियस 1 है ना, तो मैं इसको रिप्लेस करती हूँ रेडियस 2 डिवाइडेड बाय 4, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। यहाँ से आएगा रेडियस 2 का स्क्वेयर, और नीचे से क्या आएगा, देखो स्क्वेयर सबको मिलेगा, रेडियस 2 का स्क्वेयर इसको भी, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ का पावर 2, तो मैंने पावर 2 कर दी, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वेयर कितना होता है, 4 4 16, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, रेडियस 2 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, पावर 2। अब आपको पता है अगर अपोन, यहाँ देखो ये आपका मेन बाय है, ठीक है, यहाँ अगर नीचे वाली चीज़ को अगर आप चेंज करोगे, 16 ऊपर चला जाएगा और रेडियस 2 का स्क्वेयर ये कहाँ जाएगा, नीचे, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आता है 16 डिवाइडेड बाय 1, मतलब रेशो आ जाएगी 16:1, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स 112 मीटर एंड 88 मीटर। एक तो हमें दिया गया है सर्कल और एक हमें दिया गया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड है, लेंथ है 112 और ब्रेड्थ है 88 मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अब इन दोनों के एरियाज कैसे हैं, इक्वल, मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप यहाँ से देखो, हम इसकी रेडियस आर लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, ठीक है, मीटर, ये आर है, तो रेडियस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस मुझे नहीं पता तो इसको मैं रेडियस का स्क्वेयर ऐसे ही लिखूंगी, स्क्वेयर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 112 और ब्रेथ है 88, आर का स्क्वेयर ये इधर ही लिखा रहेगा 112 × 88। अब ये 22/7 है इस तरफ, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 7 ऊपर जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे, 22 1 = 22, 22 4 = 88, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वेयर
अब यहाँ से किसके इक्वल आएगा, मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। देखिए यहाँ से पहले ये जो आपका 112 है इसके फैक्टर करो, 112, 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये जो 112 है इसके फैक्टर मेरे पास आए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 7, ठीक है। ये तो किसके आए, 112 के। अब 4 है, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और एक क्या है 7। अब मैं लिख रही हूँ रेडियस का स्क्वेयर। अब आप ऐसा करो, पहले इसमें से 2 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ठीक है। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है और ये पेयर बन रहा है, ठीक है। इस ये दो जो पेयर है ना, पेयर में से एक नंबर आगे लिखो, एक थोड़ा सा पीछे। बताऊँगी इसका रीज़न क्या है। ये भी पेयर था, इसमें से एक 2 आगे लिखा, एक 2 पीछे। ये भी पेयर था, इसमें से एक 2 आगे लिखा, एक 2 पीछे। 7 का भी पेयर है, एक 7 आगे, एक 7 पीछे। आर का स्क्वेयर है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है जो सेम आ रहा हो, ताकि मैं राइट साइड को भी स्क्वेयर में कन्वर्ट कर सकूँ। तो ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। अब आप देखो सेम नंबर बन गया ना यहाँ पर। अब सेम नंबर बनने का यहाँ में फ़ायदा क्या है, रेडियस का स्क्वेयर यहाँ से 56 के स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों तरफ पावर 2 है तो बेस भी सेम होगा, पावर भी सेम है तो बेस भी सेम, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 56 मीटर। तो जो सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास आ गया 56 मीटर। हमें निकालना था फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड रेडियस है 56, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 352 मीटर। सर्कमफ्रेंस एक लेंथ, बाउंड्री की लेंथ होती है, तो वो कितना आएगा, 352 मीटर है, तो मीटर में आंसर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।